हैं, तो यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कंपनी की तरफ से मिली है और इसी के साथ साथ इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये है, ये देखिए AU 200 माउनो का है, ये डुअल माइक है और ये बोया के माइक से कंपेरेटिव उसी को निकाला है उसी के टक्कर में। इसकी जो प्राइस है वो बोया से कम है और अभी लेटेस्ट इसे निकाला गया है तो ये अभी बोया को टक्कर दे रही है क्योंकि इसका प्राइस बोया से कम है। अभी मैं दिखाऊंगा कि इसका प्राइस क्या। आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेल्फी, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन एंड वीडियो शूटिंग। तो ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला है उन लोगों के लिए जो इंटरव्यू लेते हैं। जैसे साथ ही इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन, कैमकॉर्डर, PC और DSLR में किया जा सकता है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन हो रहे होंगे। तो एक ही माइक से आप बहुत सारे डिवाइस को का यूज़ कर सकते हैं, हर तरह के वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, एक आपको अच्छी प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी प्राइस, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये टोटल जो इसकी प्राइस यहाँ पर आ रही है वो 2499 रुपये यहाँ MRP लिख रहा है, लेकिन अभी इसकी प्राइस अमेज़न से अगर आप ख़रीदेंगे तो ये 1499 में आपको मिल जाएगा। इस प्राइस से MRP की प्राइस से आपको 1000 कम में मिल रहा है और ये बोया के माइक से बहुत ही कम है। इसके रिव्यू और भी बहुत सारे रिव्यू हैं कि किस तरह से है, लेकिन अभी इसको हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसके बाद ही बता पाएंगे। वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बोया के माइक से है, ये बोया की माइक की आवाज़ है, वो सिंगल माइक है, ये डुअल मैंने इंटरव्यू के लिए मंगाया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या। एक बेहतरीन तरीके से इसे पैक किया गया है, इसके ऊपर एक कवर मिल जाएगा जो पूरी तरह से आप अगर बारिश वगैरह हो रही है और भी किसी चीज़ से डैमेज होने के लिए ये बचाने के लिए इसको रखा गया। इसी के साथ जिस तरह से बोया को सेम इसमें कहा जाए तो कॉपी किया गया है, बोया को ये माउनो ने कॉपी किया है और उसी के जितनी लेंथ है 6 मीटर की बोया दे रहा था वो इसको इसमें लिया है, लेकिन प्राइस बहुत कम है और कुछ चीज़ें वहाँ से थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश की है। वॉइस में भी थोड़ा आपको चेंजेस मिल जाएंगे। तो ऐसे जब आप इसे निकालेंगे तो यहाँ पर ये माइक को सेट कर दिया गया है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। इससे पहले आप देख लेंगे कि कुछ आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे इसमें देख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे भी आपको एक कार्ड मिल जाएगा, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। और ये एक है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है माइक को यूज़ करने के लिए, इसमें आप आराम से माइक वगैरह रख सकते हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, इसके साथ में क्या मिला है। तो ये देखिए दो क्लिप है, दो क्लिप ये माइक के लिए, दोनों माइक के लिए मिली है जो कि यूज़ करना है। और इसी के साथ यहाँ पे दोनों माइक में आपको ये भी फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ एक बैटरी भी आपको मिल जाएगी जो जिससे आपका माइक चलने वाला है। तो ये बैटरी है और इसी के साथ एक फॉर्म यहाँ पे भी, यानी कि तीन आपको एक्स्ट्रा ये मिल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कुछ बोया से ज़्यादा ये देने की कोशिश करिए। तो ये माइक की थोड़ा सा जो माइक का शेप है वो अलग है, एक क्लिप ये भी यहाँ पे है। तो ये टोटल तीन आपको मिल जाती हैं कि अगर आप एक गायब हो जाए तो भी आप इसका एक एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आपको मिल जाता है जिसमें दो जैक हैं, एक तो है कि कैमरा के साथ आप यूज़ करना चाहेंगे तो इसे लगा कर सकते हैं और ये है मोबाइल के लिए जो कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। तो इसकी जो तार की जो थिकनेस है वो बिल्कुल बोया के सेम थोड़ा सा कम है। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बोया का सिंगल माइक है जिसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके तार के जो थिकनेस है बिल्कुल सेम है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बोया को मैंने यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा माइक है, लेकिन यहाँ पे अभी डुअल इसलिए यूज़ कर रहा था कि इस कंपनी को ही चेक कर लें कि किस तरह से है क्या है। माइक की थोड़ा सा यहाँ पर जो क्वालिटी है और वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये मेटल की दी हुई है, इसे आराम से यूज़ किया जा सकता है इसमें आसानी से। इसमें लगा कर यहाँ पर आपको ऐसा करके ये लगाना होगा, ये जो बिल्कुल ये बोया के माइक की आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है, तो सेम उसी लेंथ को यहाँ पे रखा गया है। एक इसकी प्लस पॉइंट यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि दोनों माइक के ऊपर में एक ये दिया गया है जिससे आप इसकी जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन कर सकते हैं इन दोनों के ज़रिए से। तो ये एक अच्छी बात है जो कि मुझे बहुत पसंद आई और अब इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। ये दोनों अगर कंपेयर करें बोया के माइक से, सिंगल और डुअल दोनों का सेम होता है इसी तरह से, तो ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, हूबहू कॉपी करने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस हैं, आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी ये चीज़ें आपको जैसे यहाँ कैमरा में यूज़ करना है तो ऊपर करते, स्मार्टफोन में यूज़ करना है तो नीचे, और इसमें भी सेम वही चीज़ें दी गई हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैमरा और स्मार्टफोन और कैमरा के लिए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सेम है। अब इसकी वॉइस क्वालिटी आपको दिखाऊंगा। तो ये आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें इसके साथ मिल रही है। प्राइस जो है वो बोया से बिल्कुल ही
बहुत ही कम है। तो आप अगर लेना चाह रहे हैं डुअल या फिर सिंगल, सिंगल वाला भी जो इसका आता है वो भी बोया से कंपेरेटिव बहुत ही सस्ता है, तो आप इसे ले सकते हैं अमेज़न पे। अब इसकी वॉइस चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्वालिटी आ रही है, वॉइस की कैसी है वो ज़रूर बताएंगे। एक चीज़ जो ये बताना था कि इसमें एक एक्स्ट्रा बैटरी मिली है, वो मैंने अभी देखा जब मैं इसे ओपन कर रहा था बैटरी लगाने के लिए। तो आप इसे ओपन करके यहाँ पे बैटरी लगा सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बैटरी आपको मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा बैटरी भी मिल रही है, साथ में एक्स्ट्रा क्लिप है, एक्स्ट्रा फोम है। तो ये कंपनी एक, अगर आप सस्ते बजट का लेना चाहते हैं और अच्छी आवाज़ चाहते हैं तो आप ये प्रीफर कर सकते हैं, ये एक अच्छा आपके पास ऑप्शन हो सकता है। तो अब इससे रिकॉर्ड करके देखेंगे इसकी क्वालिटी क्या है आवाज़ की, वो भी आपको सुनाऊंगा ज़रूर। अभी जो आवाज़ सुन रहे थे, जो मैंने रिव्यू किया, वो इसी माइक से था, इस बोया के माइक से, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। इसकी काफ़ी आवाज़ अच्छी है, मैं इसको लगभग 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही यूज़फुल रहा है ये मेरे लिए और बहुत ही कंफर्टेबल रहा है। और इसकी एक अच्छी बात ये है कि जब मैंने इसे यूज़ किया है कूलर और फ़ैन को चला कर भी, लेकिन वो जो मोबाइल था मेरा रेडमी नोट 8 था, उसमें पूरी तरह से ये फिट हो रहा था और कोई भी नॉइस बाहर की नहीं ले रहा था कूलर और फ़ैन को चलते हुए। लेकिन और अभी जो नए मॉडल के जो मोबाइल आए हैं तो उसमें वो आपको फ़ैन और कूलर वगैरह बंद करना पड़ेगा, ये उसमें काम नहीं कर रहा है। तो अब ये जो मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, ये मोनो के डुअल माइक की आवाज़ है, तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। और उसकी आवाज़ की मैंने इसमें अभी कुछ भी सेटिंग नहीं की है, बस ओपन कैमरा में इसे लगाया है, जस्ट आपके सामने अभी मैंने पूरी तरह से इसे ओपन किया था। और अब इसकी आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे किस टाइप की है, मैं भी देखता हूँ इसे कि क्या है, मैंने इसे कुछ सेटिंग नहीं की है और अब देखने की कोशिश करूँगा, मैं भी देखूँगा, आप भी देखिए किस तरह से। अच्छा लगे तो ज़रूर आप खरीद सकते हैं, मैं इसे ट्राई करना चाह रहा हूँ कि देखूँ क्या है किस तरह से। डुअल माइक के लिए मैंने बोया का प्रेफर करना चाह रहा था, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन मिला मोनो का, देखते हैं ये कंपनी किस तरह से। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, थैंक यू।